मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। मैं भी मस्त हूँ भाई। मैं हूँ इस वक्त अगस्त मुनि भाई। अगस्त मुनि केदारनाथ धाम से थोड़ा सा पीछे पड़ता है भाई, और अभी हम सुबह सुबह उठ चुके हैं बढ़िया तरीके से भाई। अगस्त मुनि के स्टेडियम के अंदर रात में मैं सो रहा था भाई, बहुत आराम से, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह हमने प्लानिंग बनाई थी कि हम नदी के पास जाएंगे नहाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। चक्कर क्या है, हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा और ऊपर यात्रा के लिए भी हमें जाना है, तो अभी क्या है हमें ना जगह ढूंढनी पड़ेगी बढ़िया सी, क्योंकि कल डोला निकल के आने वाला है और डोला निकल के आने वाले टाइम पे ना हमें बिल्कुल डोली के पास रहना है, ताकि हम अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर सकें। तो हम सोच रहे हैं ओकीमठ चले जाएं, और ओकीमठ के पास ही पड़ता है चोपटा, और चोपटा भी घूम सकते हैं आज हम, तो बढ़िया रहेगा भाई। पहले फटाफट चलते हैं, नहाने की व्यवस्था करते हैं भाई बढ़िया सा, और कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ, सामान वान पैक किया है और धनों पर लोड कर दिया है। पास में अपने भैया हैं जिनका होटल है, वहाँ चल लेते हैं, वहाँ बढ़िया तरीके से नहा लेंगे और फिर आगे अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे भाई, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने जाएंगे। आज शाम तक शायद अंकुश भाई भी हमारे पास पहुँच जाएंगे। अंकुश भाई जम्मू से निकल चुके हैं और दोपहर 3 बजे के आसपास ना ऋषिकेश तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद उन्हें ऋषिकेश से बस मिलेगी केदारनाथ धाम की तरफ, पर उन्हें गुप्तकाशी की तरफ उतरना पड़ेगा ताकि ओकीमठ का अटेंड कर पाए वो डोला, तो इसलिए भाई। बाकी देखते हैं वो कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई ट्रेन उनकी, 5 घंटे लेट चली जम्मू से। अब वो पता नहीं पहुँचेंगे आज की कल सुबह पहुँचेंगे, पता नहीं है। बाकी जब वो ट्रेन उतरेगी ना ऋषिकेश, उसके बाद ही सब कुछ कंफर्म हो पाएगा। आप सबको ना इसी वीडियो के अंदर 20 मिनट के अंदर बदल जाएगा, वो अलग बात है, चलते हैं। लेकिन हमारे लिए पूरा दिन हो जाएगा, और राम भाई भी पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे साथ। आगे बढ़ो, हम आगे पीछे पीछे आएंगे। चलो भाई, राम भाई को मैं ना आगे जाके लोकेशन शेयर कर दूंगा, तो राम भाई वहीं पर आ जाएंगे सीधा सीधा। हम अपना सामान वामान लोड कर दिए, बाइक से सीधा पहुंचते हैं। राम भाई के लिए आसान है भाई, 3-4 बार बोर्ड यूं लाएंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे। पेट्रोल भी नहीं लगता भाई, बस पकड़ते हिलाते नहीं, हिलाते भी नहीं ना, पकड़ते ना बस। देखा, बात तो मानने की है व्लॉग की भाई, लोगों की पहचान बहुत है। जैसे ही व्लॉगिंग करने लग गया सारे लोग आ गए एक साथ, और सबको पता लग गया मेरा व्लॉग चैनल। दिखाना कौन सा है, ये उल्टा दिखा रहे हो भाई। अब सही है, चलो। छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है भाई व्लॉगिंग में, सच्ची। है ना भाई, बहुत मज़ा आता है। ये हमारे फ्यूचर है भाई, वही तो, उनको व्लॉग देखने में मज़ा भी बहुत आता है, बनाएंगे भी तगड़ा ये पास हमसे। उनको और सपना वो देखते हैं आगे, हम भी इनकी तरह घूमे। हाँ, सही बात है। तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पहले और अब में ना काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं भाई। रास्ते में अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पेंट हुई हुई दिखेंगी, नई नई चित्रकारी हुई हुई दिखेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी भाई। और इवन भाई इस टाइम पे ना बहुत खूबसूरत फूल आए हुए हैं भाई, देख रहे हो आप पेड़ पे ना, पर्पल पर्पल कलर के, बहुत मस्त लग रहे हैं। काफ़ी डिफरेंट माहौल हो रखा है पिछले साल और इस साल में, काफ़ी डेवलपमेंट कर दी है भाई। अगस्त मुनि से हम निकल चुके हैं भाई, वैसे ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है हमें, 20 किलोमीटर तक जाना है। 20 किलोमीटर आगे ही एक होटल है भाई, आप लोग तो जानते ही हो, केदारनाथ धाम के पास अपने भैया का एक होटल है जिनके पास मैं हमेशा जाता रहता हूँ, वहीं पे हम स्टे करते थे हमेशा। पर इस बार मैं चोपटा की तरफ जाने का मन है, तो मैं वहाँ उनसे मिल के नहा धो के फिर आगे आराम से निकल जाऊँगा भाई चोपटा की तरफ। ओ भाई साहब, कितने चल रहे हो गोभी का फूल बन के। वैसे हमने पहले प्लान किया था नदी में नहा लेते हैं, लेकिन नदी में नहाते हैं तो फिर कपड़े वपड़े पूरे गीले हो जाते हैं हमारे। मैं कपड़े उतार के नहाता ही नहीं हूँ भाई अब, क्योंकि मरीज को गुस्सा आता है, कहते हैं कपड़े पहन के नहाया करो। और फिर विपिन भाई से मिलना भी रह जाता, तो इसलिए सीधा सीधा चलते हैं विपिन भाई के होटल। ओ भाई क्या खतरनाक रोड है, जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, वो ये देखो यहाँ पे हो रहा है भाई, चारों तरफ पेंटिंग हो रही है, नई चित्रकारी की जा रही है पूरी, बहुत खूबसूरत लग रही है, देख रहे हो ना आप। और अभी पूरे एरिया में हो रही है लगातार, अगस्त मुनि से लेके यहाँ तक तो हो चुकी है, और आगे के 20 किलोमीटर और होनी है, या हो सकता है कि हर एक एरिया में अलग अलग लोग कर रहे हो, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रही है भाई सच्ची।
सो भाई हम डैम के पास पहुंच चुके हैं। जो ओकी मठ से नीचे पड़ता है भाई, और यहाँ पहले रोड नहीं हुआ करती थी केदारनाथ धाम जाने के लिए, कच्ची सड़क हुआ करती थी पिछले साल पूरा। और इवन जब मैं बाद में भी आया ना, मतलब क्लोजिंग के टाइम पे भी, तब भी कच्ची सड़क थी, मतलब 6 महीने पहले भी कच्ची सड़क थी, पर अब रोड पूरी बना दी है भाई, ये अच्छा चीज़ हो चुकी है। नहीं तो बड़ी दिक्कत आती भाई इस रोड पर जाने के लिए, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है पहले से अब में। ये जस्ट अभी अभी रोड बनी है, देखो अभी साइड में भी ना वाइट बॉर्डर लग रहा है। सो फाइनली अपने भैया के पास मैं पहुंच चुका हूं भाई, न्यू शिफ्ट पैलेस पे। मस्त भाई, भाई के पास पहुंच के दिल खुश हो गया। मतलब इन जो सड़कें थी ना, ये कच्ची सड़कें हुआ करती थी, और यहाँ कूदते खादते आना पड़ता था, मतलब पूरा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता था, आधा घंटा है कि नहीं भाई, पूरी कच्ची सड़कें थी। अब तो ऐसा हो गया, मक्खन हो गई, मक्खन जैसी हो गई भाई। काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई ट्रैवल करते समय इस वक्त। मस्त भाई, अभी पहले फ्रेश हो जाता हूँ, नहाया धोया नहीं हूँ, फिर आराम से मिलते हैं विपिन भाई से, और फिर बातें बातें भी करेंगे बहुत सारी। सो मस्त नहा धो के तैयार हो चुके हैं, पगड़ी वगड़ी भी बांध ली है भाई, और राम भाई ना सीधा ओकीमठ पहुंच चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीधा ओकीमठ ही आ जाओ। वो कह रहे थे मैं थोड़ा लेट हो रहा था, मैं लेफ्ट थोड़ा लेट मिली तो मैं नहाने लग गया, और नहाने के बाद सीधा वो ओकीमठ पहुंच चुके हैं। तो हम भी ओकीमठ चलते हैं, बाकी भैया ने मुझे रोक लिया है भाई खाना खाने के लिए, खाना खा के फिर हम निकलेंगे आराम से। भैया के साथ ना अपना बहुत प्रेम बन चुका, पहली बार तो एज एन कस्टमर आया था मैं यहाँ पे होटल में, उसके बाद बातचीत इतनी होने लग गई कि अपन दोस्त बन चुके हैं बढ़िया वाले भाई। अब जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो जरूर इनसे मिलते हुए जाता हूँ, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपका चक्कर बने केदारनाथ धाम आने का, या आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो, तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो भाई आराम से। आपको बड़े बड़े साइज़ के रूम भी मिल जाएंगे, 5-5, 4-4 जनों के, और अगर आप कपल आ रहे हो तो आपको सिंगल रूम भी मिल जाएगा आराम से। बाकी हम तो ठहरे यात्री, हमें तो अपना टेंट ही पसंद आता है भाई, चलते हैं क्योंकि हमें नई नई जगह जाना है। सो इसी रोड से होते हुए जाओगे आप ऊपर गुप्तकाशी के लिए, और जब आप गुप्तकाशी के लिए जाओगे तो रास्ते में आपको होटल मिल जाएगा, तो यहाँ स्टे कर लेना भाई। सबसे प्यारा व्यू तो यहाँ का मुझे ये लगता है भाई, सामने आप डैम देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत, और पूरा पानी क्रिस्टल क्लीन है भाई। मैं यहीं इस नदी में नहाने की बात कर रहा था भाई, जब मैं आ रहा था रास्ते में, नहाते तो जरूर लेकिन लेट हो रहे थे, इस वजह से मैं सीधा सीधा आ गया, नहीं तो भाई से नहीं मिल पाते और हम आगे भी नहीं जा पाते। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, भाई से मिल लिया, आगे नदी में तो फिर से नहाते रहेंगे। सो इस मस्त से व्यू के साथ अपना खाना भी आ चुका है भाई, घर का बना हुआ खाना भाई, रायता है, ओहो मस्त पहाड़ी दाल है, क्या बात है, सलाद है, और यहाँ पापड़ भी है, क्या बात है भाई जी। भाई जी आप सोयाबीन तो नहीं बनाने वाले थे? पूरे रास्ते में सब सोयाबीन खिला रहे थे भाई, मैंने पता नहीं क्या मांग लिया था बीच में, एकदम से सब सोयाबीन ही खिलाने लग गए। वैसे मुझे सोयाबीन बहुत पसंद है, लेकिन इतनी खाने बाद तो पसंद नहीं आ रही है, खैर। चलो भाई खाना खाते हैं मस्त से, फिर निकलेंगे आगे अपने सफर के लिए। सो भैया को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, धनों पे चढ़ते हैं और हम निकलते हैं चोपटा की तरफ, और भैया अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं यात्री भैया के पास, तो भैया का भी सीज़न है, लेकिन जब क्लोजिंग होगी तब कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे पक्का। चलो बाय बाय। एक बात तो मैं बताना भूल गया, कल सुबह भैया डोली में मिलने वाले हैं, वैसे भी वहीं भी मिलेंगे, साथ में वीडियो बनाएंगे। और भाई आपका चैनल का नाम क्या है? विपिन पहाड़ी व्लॉग्स।
केदारनाथ की लेटेस्ट अपडेट अगर चाहिए तो भाई से पूछ लेना, भाई सब बताते रहेंगे। चलते हैं। चलो भाई अपना सफर स्टार्ट हो गया फिर एक और नई जगह के लिए, इस बार रुकना नहीं है, चलते रहना है, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहना है भाई। लेकिन यार एक बात आ रहा हूँ, जेन्युइनली दिल खुश हो रहा है, ये रोड देख रहे हो ना आप यार, ये रोड इतनी गंदी होती थी ना, इतनी गंदी, हर साल चढ़ने में हालत बेकार हो जाती थी। मैं कम से कम 4-5 साल से तो सुन ही रहा था ये रोड सही हो ही नहीं रही, जबकि रोड पास हुई हुई थी, लेकिन इस साल सरकार ने पूरी रोड बना दी केदारनाथ तक की बढ़िया तरीके से। बाकी ये जो पैच था वो बहुत गंदा रहता था। लो जी ये पहुँच चुके डैम के पास, और यही डैम आप ऊपर से होटल से इसका व्यू देख रहे थे भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है ये डैम। सामने आप सारे बादल बादल नज़र आ रहे होंगे आपको, वो सारी केदार घाटी है भाई, सामने केदार पहाड़ भी नज़र आता है यहाँ से बर्फीला, लेकिन आजकल नज़र ही नहीं आ रहा है। चक्कर क्या है, पोल्यूशन इतना हो चुका है, चारों तरफ पे ना जंगल जलाए गए हैं और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन हो चुका है, और इसकी वजह से दूर दूर तक नज़र नहीं जा पा रही है। एक बार बस बारिश हो जाए वापस सारा मौसम साफ हो जाएगा भाई, फिर आराम से दूर दूर तक नज़रें जाएंगी हमारी, फिर मैं आपको यहीं से केदारनाथ धाम के दर्शन करा सकता हूँ। अरे बाप रे, झरना ही पूरा सूख गया है भाई, यहाँ काफी सारा पानी गिरता था भाई, लेकिन आजकल बारिशें भी नहीं हो रही है और धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, इसकी वजह से झरना देख रहे हो ना पूरा सूखा हुआ है। ये रास्ते में पड़ता है जब आप ओखीमठ की तरफ जाओगे, लेकिन गंदा बहुत हुआ हुआ है, लोगों ने गंदा कर रखा है इसे, नीचे आप देख सकते हो। रास्ता तो ओखीमठ का भी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों में एक एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ नज़ारे वाली चीज मिल ही जाएगी भाई देखने के लिए। भाई हम पहुंच चुके हैं ओखीमठ, और ओखीमठ से कल डोला निकलने वाला है, लेकिन मैं आज हाल देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे क्या है। आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ आके खड़ी हुई हैं यहाँ पे, और इवन वहाँ पे कुछ हमारे यूट्यूबर भाइयों के टेंट लगे हुए हैं सामने की तरफ काफ़ी सारे, है ना, यूट्यूबर पहले आ जाते हैं ना बाकी लोगों से। सो बाइक की पार्किंग ना मिलने की वजह से मैं आपको अभी मंदिर दिखाने नहीं लेके गया भाई, बाद में आपको दिखा दूंगा, और वैसे भी कल आप देख ही लोगे मंदिर को आराम से, क्योंकि कल डोला वहीं से निकलने वाला है भाई। लेकिन इस बार मुझे पता चल रहा है 3 ही दिन में डोली ऊपर तक पहुंचेगी, क्योंकि आपको पता है 10 तारीख को सुबह 7 बजे या 10 बजे के बीच में ना केदारनाथ धाम के डोर्स ओपन हो जाते हैं और फिर डोली अंदर चले जाती है। तो मेरे ख्याल से कल क्या होने वाला है, मतलब पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल ओखीमठ से डोली चली थी और फिर वो जाके रुकी थी गुप्तकाशी के अंदर, लेकिन इस बार गुप्तकाशी नहीं रुकेगी, गुप्तकाशी जाएगी मंदिर में लेकिन 1.5 घंटा विश्राम होगा, और उसके बाद वहाँ से आगे चलेगी डायरेक्ट फाटा के लिए। पिछली बार गुप्तकाशी अलग रुकी थी और फाटा अलग रुकी थी, जैसे इस बार सीधा फाटा पहुँच जाएगी, तो फाटा के बाद सीधा जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है ना केदारनाथ धाम के लिए, वहाँ तक चली जाएगी डोली, और फिर उसके नेक्स्ट डे सीधा ऊपर तक पहुँच जाएगी, तो मतलब सिर्फ 3 ही दिन के अंदर ऊपर तक पहुँच जाएगी। पिछले साल क्या हुआ था, 4 दिन लगे थे पूरी यात्रा को होने में, या 5 दिन लगे थे, याद नहीं मुझे, ज़्यादा लगे थे शायद, लेकिन इस बार बहुत कम दिन है और उतने ही दिनों के अंदर सीधा डोली को नीचे से लेके ऊपर तक लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी पैदल यात्रा होने वाली है, और इवन कल सुबह मुझे 7 बजे के लगभग उठना पड़ेगा। इसी इंक्वायरी को करने के लिए भी मैं गया था, और वैसे मुझे विपिन भाई ने भी बता दिया था कि इस बार डोली सुबह जल्दी निकलेगी, तो मैंने टाइम भी एग्जैक्ट पता कर लिया है किस टाइम कल डोली निकलेगी, तो उससे पहले पहले जाके पहुंच जाएंगे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों के लिए। भाई चलते हैं भाई, अभी तो आसपास घूमते हैं चोपटा उपटा की तरफ और आपको व्यू दिखाते हैं मस्त मस्त सा। ना ही अभी बद्रीनाथ धाम खुला है, ना ही अभी केदारनाथ धाम खुला है, तो आप देख रहे हो सारी दुकानें लगभग इस रास्ते की बंद है। ये जो रोड है ना, ये कनेक्टिविटी है बद्रीनाथ और डायरेक्ट केदारनाथ धाम की, अगर कोई लोग बद्रीनाथ दर्शन करने गए तो बाद में केदारनाथ धाम के लिए दर्शन करने ले आ जाते हैं,
और अगर कोई केदारनाथ दर्शन पहले कर चुका है तो बद्रीनाथ के लिए दर्शन चले जाता है भाई। तो ये रोड को तो यूज किया बहुत जाता है और बिजी रहती है, लेकिन आप आजकल देख रहे हो ना बिल्कुल खाली पड़ी है और बहुत सारे रेस्टोरेंट तो बंद ही है लगभग। ये एक दुकान खुली खुली दिख रही है लेकिन ये भी खाली पड़ी है पूरी। तो अभी कोई भी यात्री नहीं आ रहे, तो इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल शांति है आप देख सकते हो, नहीं तो इस रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो मैं चौपटा नहीं पहुंचा हूं अभी पूरा, अभी यहां से 25 किलोमीटर है एग्जैक्ट, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है पूरा रास्ता। यही दिखाने के लिए मैं आप लोगों को लेके आया था भाई, क्योंकि आज तो हम फ्री है, कम से कम नज़ारे तो ले ही सकते हैं। कल डोला निकलना है तो आज वहां बैठे बैठे क्या करते हैं, बाकी लोगों की तरह वहाँ सब बैठे रहते हैं आराम से और एक दूसरा मुँह देखते रहते हैं, तो कम से कम नज़ारे लेने तो आ ही सकते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है भाई, मज़ा आ रहा है काफ़ी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ मैं इस वक्त। चोपटा वाला रूट ना बहुत हाइटेड है, इसलिए वहीं पे ना वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेंपल है भाई, शिवा टेंपल, तुंगनाथ टेंपल भाई, यहीं से आगे जाके पड़ता है, बहुत खूबसूरत है। और ये पूरा एरिया ना बर्फ में ढक जाता है सर्दियों के टाइम पे। मैंने प्लान किया था इस सर्दियों में यहाँ भी आने का, लेकिन इस बार प्लान बन गया था हमारा मनाली जाने का, क्योंकि हमें लगा था वहाँ बर्फ गिरेगी अच्छी खासी, तो हम उस तरफ चले गए, क्योंकि उससे पिछले साल वहाँ बर्फ बहुत अच्छी गिरी थी, इस साल वहाँ बर्फ नहीं गिरी, यहाँ गिरी बर्फ। कुछ उल्टा सीधा होता रहता हमारे साथ, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो काम है घूमने का, कुछ ना कुछ जगह पे अच्छी अच्छी चीजें मिल ही जाती है घूमने के बाद। मैं निकलने लगा था और जस्ट अभी अंकुश भाई का भी फोन आया है भाई, उनका पता चला है कि उनकी ट्रेन और ज्यादा लेट होते जा रही है भाई, 10 घंटे लेट हो चुकी है भाई। कमेंट भी आया था सुबह, मेरे को लगा शायद मजाक कर रहे हैं, अभी उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है भाई 10 घंटे लेट है। मतलब वो सुबह पहुंचने वाले थे 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास, तो अब वो शाम को पहुंचेंगे, खतरनाक सीन हो जाएगा यार। मतलब 9-8 बजे के आसपास वो ऋषिकेश पहुंचेंगे, तो यहाँ तो कल ही पहुंचेंगे, यहाँ वो पहुंच ही नहीं पाएंगे आज। चलो कोई नहीं, अपने पास अच्छा हो गया, अपन अब आराम से चोपटा तक जा सकते हैं घूमने के लिए। वैसे नहीं तो मुझे जल्दी आना पड़ता वापस, मैं ये सोच रहा था अब आराम से डोलते डालते आएंगे बिना किसी टेंशन के। चलो भाई चलते हैं चोपटा और आगे। वैसे आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इस रूट पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत से कैफेज आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे, तो खाना वाना खाने में और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। अब 23 किलोमीटर्स रह गए हैं बस यहाँ से चोपटा पर, लेकिन पहुँचने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा और 1 घंटा आने में भी लग जाएगा। इस बार हर साल से ज़्यादा रिकॉर्ड टूटा है भाई, काफ़ी सारे पैदल यात्री आए हैं और काफ़ी सारे साइकिल वाले भी आए हैं और काफ़ी सारे मेरी तरह बाइक वाले भी आए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं और इतने सारे यूट्यूबर्स होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है यूट्यूब के अंदर, अब पहले जैसा हाल नहीं रहा। खैर वैसे अगर देखा जाए ना आग जलाने की वजह से काफ़ी सारा व्यू तो ऐसे ही मर चुका है, ये रास्ता बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था लेकिन आग जलाने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बस एक बरसात पड़ जाए तो जितना भी ये सारा आपको दिख रहा है ना पोल्यूशन सारा छट जाएगा। देखो ये ढाबे भी बंद है अभी सारे, पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ से ना वाटरफॉल हुआ करता था लेकिन सारे वाटरफॉल सूख गए हैं भाई, गर्मी इतनी पड़ रही है, एक भी वाटरफॉल में पानी नहीं गिर रहा है भाई बिल्कुल भी। पिछले साल जब हम चोपटा आए थे तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इस साल बारिश का नामो निशान ही नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हो ना घोड़े सारे जा रहे हैं यात्रा के लिए, यात्रा के लिए जा रहे हो, यात्रा के लिए कब से चालू हो जाएगी यात्रा लोगों के लिए? अच्छा एक बात आओ, 8 तारीख को मिल जाएगा घोड़ा ऊपर जाने को, मिल जाएंगे ना, जा रहे होंगे मतलब। चलो ठीक है चलो भाई बढ़िया है, जानकारी मिल गई, मतलब यात्रा चालू हो चुकी है एक तरीके से, लोग जा रहे आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कन्फर्म करना चाह रहा था जा रहे आ रहे कि नहीं, पहले श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया जा रहा था, अब श्रद्धालुओं को ऊपर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अब डोला निकल जाएगा उसके बाद किसी को रोका नहीं जाता है जाने के लिए, और ऊपर सहूलियतें भी खुल गई होंगी, दुकानें वुकानें खुल गई होंगी भाई, बाकी एग्जैक्ट तो मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा वहाँ पे, अभी तो मैं सिर्फ अंदाजे मार रहा हूँ। लो भाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मौसम ठंडा हो चुका है बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पहुँच चुके हैं हम इस वक्त। तो सामने व्यू देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, चोपटा के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा मस्त है भाई। काफ़ी देर बाद कुछ ऐसी जगह दिखी है जहाँ पे क्लियर व्यू है भाई, सामने पूरे सीढ़ीनुमा खेत दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी खूबसूरत,
मेरे ख्याल से गेहूँ लगा रखी है इस वक्त उधर, और इधर भी भाई मस्त मस्त गांव है यहाँ के सारे और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ये सारी जगह। यहाँ सर्दियों में चारों तरफ बर्फ़ बिछी रहती है भाई, और नॉर्मली गर्मियों में भी यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है शाम को। ओ भाई साहब क्या कर ले हो, ये छोटे छोटे सारे दोस्तों क्यों ले आए हो यहाँ पे? अरे बाप रे, देखो यहाँ पे आपको सारे बंदर मिल रहे हैं, और जितना हम आगे जाते जाएंगे ना तो लंगूर मिलेंगे आगे सारे, क्योंकि उधर इतनी ठंड होगी है मिलेंगे नहीं हूँ आगे, आगे सिर्फ लंगूर मिलेंगे काले काले वाले। कितना खूबसूरत कैफे है लेकिन बंद पड़ा है अभी, देखो सारे कैफे आ गए मस्त मस्त वाले। भाई ये रास्ता स्वर्ग से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत रास्ता है भाई, चारों तरफ पेड़ पेड़ है। इवन एक मेरा फेवरेट कैफे हुआ करता था पीछे, जस्ट अभी निकला है, लेकिन वो बंद था, नहीं तो वहाँ मैं बैठ के मोमोज खाता था हमेशा, मस्त मिलते हैं वहाँ पे तिब्बतन रेस्टोरेंट है वो। लेकिन यहाँ का व्यू एक नंबर है भाई, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। आपको याद होगा मैंने रास्ते में आते आते आपको बताया था जब मैं ऊपर टॉप लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा ना वहाँ पे आपको बंदर नहीं मिलेंगे लंगूर मिलेंगे। देख लो भाई मिल चुके हैं उनकी बड़ी प्रजाति, ये देखो भाई ये रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओ हो हो, वैसे ये परेशान नहीं करते हैं किसी को भी, आराम से रहने देते हैं, पर ये पूरा एरिया वन का है ना तो ये इनका खुद का घर है, हम इनके घर में आए हैं एक तरीके से। बाकी यार पता है क्या, मेरा बहुत ज़्यादा दिल खराब हो चुका है क्योंकि मैं इतने हाइट लोकेशन पर आया, यहाँ से ना हिमालयन के दर्शन हो जाते हैं बहुत अच्छी से, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती हैं, आज वो भी नहीं दिख रही हैं, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। पिछले साल हमने यहाँ से पीछे पूरे ग्लेशियर की फ़ोटोज़ खींची थी, बड़ा मस्त आ रही थी, पर इस बार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 6 महीने पहले हमने यहाँ से ग्लेशियर की फ़ोटो खींची थी, और 1 साल पहले यहाँ पर फॉग था, और इस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान सुनसान सा हुआ है। भगवान से अरदास करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी बारिश हो जाए, क्योंकि ये टाइम ही बारिश का है, यहाँ पर बारिशें होती थी पर बारिश नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से काफ़ी मौसम बिगड़ चुका है, पूरा हरियाली कम दिख रही है काफ़ी चलो कोई नहीं। वैसे एक बात सो सही रही, यहाँ तक आए तो हमने देखा रोड सारी कंस्ट्रक्ट हुई है, काफ़ी मस्त रास्ता बन चुका है, अब पहले जैसी कोई दिक्कतें नहीं रही। चलते हैं वापस की तरफ, कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाने का क्योंकि दुकानें वकानें तो लगभग सारी बंद हैं, थोड़ी बहुत ही दुकानें खुली हैं बस। ज़्यादातर आपको ये देखो खच्चर लेके जा रहे हैं ना यात्रा के लिए, तो वो लोग मिलेंगे, या फिर थोड़े बहुत जो यात्री लोग अपने इस गांव के आसपास गांव में रहते हैं ना वो लोग यहां से जाते हुए देखेंगे बस, और कोई भी नहीं है। बाकी अगर रास्ते में कोई जगह मिली ना खाने के लिए तो मस्त बैठेंगे कुछ ना कुछ खाएंगे भाई, और तब तक राम भाई भी शायद पहुंच जाएंगे ओकीमठ, ओकीमठ में स्टे करेंगे हम आज आराम से। कल सुबह सुबह 7 बजे के आसपास डोली जाएगी, तो टाइम से उठना भी ज़रूरी है ताकि हम डोली के साथ साथ निकलें। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अंकुश भाई डोली के टाइम पर आ नहीं पाएंगे, वो सीधा केदारनाथ धाम की तरफ ही चल पाएंगे, फिर रात के 10 बजे के आसपास वो आज पहुँचेंगे, तो अगर वो आज रात को सोएंगे वहाँ पर तो कल सुबह चलेंगे और कल रात में पहुँचेंगे भाई, तो देखते हैं क्या होता है। खैर अपन तो निकलते हैं अभी। वैसे निकलते निकलते मुझे एक बात याद आई, ये बेस्ट टाइम है यात्रा करने का, क्योंकि भाई इस टाइम पे ना बारिश हुई है ना ज़्यादा स्नोफॉल है, तो आप आराम से ऊपर पैदल पैदल क्रॉस करके जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। नहीं तो पैसे क्या होता था, ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से गिरते थे लोग, या बारिश हो जाती थी तो पानी कीचड़ की वजह से गिरते थे लोग। लेकिन ये सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे ना कीचड़ होने वाला है इस टाइम यात्रा करते समय केदारनाथ धाम में, ना इस वक्त ज़्यादा बर्फ़ होने वाली है, तो ठीक रहेगा भाई बिना किसी दिक्कत के आराम से यात्रा करेंगे। बाकी बर्फ़ कितनी है क्या एग्जैक्टली तो नहीं पता, कुछ लोगों के वीडियोज़ देखे थे बर्फ़ दिखा रहे थे वहाँ पर, लेकिन उस लेवल की नहीं दिख रही है जिस लेवल की पिछले साल थी भाई। बाकी देखेंगे क्या होता है वहाँ जाके पता चलेगा एग्जैक्ट। पिछले साल जिस टाइम ऊपर चढ़े थे ना उसके बाद भी बहुत बर्फ़ गिरी थी फर्स्ट डे ओपनिंग पे ही, बाकी इस बार स्नोफॉल मिलती है कि नहीं मिलती है वहाँ जाके पता चलेगा। वैसे मेरा मन है यार इस बार स्नोफॉल मिल जाए, इस पूरे साल मुझे कहीं भी स्नोफॉल नहीं मिली, बड़ा बेकार सा साल निकला है बिना स्नोफॉल के, बड़ा अजीब सा लगता है भाई सच्ची, साल में एक बार तो स्नोफॉल देखना चाहिए इंसान ने चलते हैं वापस की तरफ। अब वैसे तो हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं लेकिन कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ है और रास्ता पूरा सुन, तो रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ ऊपर में ना ये सोलर पैनल लगा हुआ है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ये प्रॉपर वन एरिया है तो बहुत रिस्की रहता है, इसलिए चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पर इतनी चढ़ाई है कि वापस जाते समय आपको गाड़ी ऑन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऐसी आराम से चलेगी डराने डराने पूरी। तो चलते चलते वापस ओकीमठ पहुँचने वाले हैं भाई हम, बस थोड़ा सा रास्ता रह चुका है उसके बाद दर्शन के लिए चलेंगे आराम से। अब राम भाई भी आ चुके हैं, राम भाई के पास सामान रख देंगे आराम से और फिर चलेंगे दर्शन के लिए। एक मस्त सी जगह मिल चुकी है भाई जो कि राम भाई ने ढूंढी है भाई, गार्डन सा मिल गया बिल्कुल पास, वो भी पता है कहाँ पर,
बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल पास भाई, ताकि हमें दिक्कत ना आए कल सुबह उठ के पहुंचने में। बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे आराम से। बिल्कुल ये जगह नॉइज़ प्रूफ है। अब यार एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है, कई लोग कह रहे हैं कल गुप्तकाशी जाएगी, कई लोग कह रहे हैं कल फाटा जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा डोली जाएगी कहाँ। मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी जाए, मेरे डोली के साथ साथ जहाँ जा रही होगी वहाँ चले जाऊंगा भाई, है कि नहीं भाई? बाकी देखते हैं यार क्या होता है। तो हमने सामान वामान सारा रख दिया टेंट के अंदर, सेफ पड़ा रहेगा भाई। अब हम जाते हैं सीधा ओकीमठ के दर्शन करने के लिए भाई, क्योंकि कल डोली निकलेगी तो शायद आराम से दर्शन ना कर पाए। बाकी अभी टाइम मिल रहा है तो बढ़िया तरीके से दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं अंदर से मंदिर। चलो भाई चलते हैं। मैं भी पहली बार दर्शन करूंगा। अच्छा, मैं तो बहुत बार आया हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ ओकीमठ में ना इस वक्त फौज वाले लोग भी आए होंगे, मतलब आर्मी वाले, बैंड बजाते हैं ना वो, काफी ज्यादा तगड़ा भाई। सुनाई दे रहा है? ध्यान से सुनो। हाँ बज रहा है भाई, चलते हैं भाई, आपको भी सुनाते हैं बढ़िया तरीके से, मजा आएगा। फाइनली ओकीमठ पहुंच चुके हैं, और जब हम पहले यहाँ पर आए थे ना तो यहाँ पे इस जगह पे टेंट नहीं लग रहे थे, अब यहाँ पे भी लग चुके हैं। मतलब ये समझ लो आज रात तक नहीं है पूरी जगह पे ना, कोई एक सिंगल जगह नहीं बचेगी जहाँ पे आप पैर भी रख सको, पूरी भर जाती है मार्केट। वैसे तो रूम्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं बिल्कुल मंदिर के बगल में ही, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप थोड़ा बाहर ले लो, पार्किंग की फैसिलिटी भी रहेगी आपके पास और आराम से आप दर्शन करने भी आ सकते हो, और अगर आसपास घूमना चाहो तो घूम भी सकते हो भाई। वैसे मंदिर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांति है, लेकिन अगर आप देखोगे ना सारी सजावट चल रही है भाई, बड़े खूबसूरती से सारे फूलों को लगाया जा रहा है भाई। सत्यकाल सर, बिग फैन। बढ़िया बढ़िया। सो फौजी भाई भी आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त अंदर आराम कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह सुबह उन्होंने परेड के लिए पूरा बजाना है भाई, ड्रम खतरनाक तरीके से, तो वो अपनी पूरी आराम कर लेंगे। अभी कल से स्टार्ट होगा सारा कुछ भाई, कल यहाँ से निकलेगी डोली, यहाँ से जा रही है, पक्का कंफर्म हो चुका है भाई गुप्त काशी के लिए, और फिर वहाँ से आगे जाएगी फाटा के लिए भाई। अभी सजावट चल रही है, काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं और अभी पूरी सजावट चल रही है मंदिर की, इवन आप सामने देख सकते हो वहाँ पे भी फूल लग रहे हैं भाई, इवन इम्पोर्टेड फूल भी आए हैं सजावट के लिए भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे आपको एज ए नॉलेज दे लूँ, मंदिर से जाने से पहले पहले राइट में आपको एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, यहाँ से आपको पांचों केदार के एक साथ दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पांचों केदार की शिवलिंग्स हैं, तो यहीं से दर्शन कई लोग कर लेते हैं, जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए भाई। बाकी चलते हैं हम अंदर दर्शन करने के लिए, मैं आप लोगों को अंदर से दर्शन नहीं करा सकता, अगर कुछ फोटोज़ मिली तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, चलते हैं। सो दोस्तों दर्शन करके मैं आ चुका हूँ भाई, और इस वक्त ना मंदिर में काफ़ी ज़्यादा शांति है भाई, आराम से दर्शन हो गए बिना किसी दिक्कत के भाई। अभी अंदर में डोली के भी दर्शन करके आया, मैंने वीडियो नहीं बनाया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है मंदिरों के अंदर बिल्कुल भी, बाकी कल जब डोली निकल आएगी तब आराम से वीडियो बना सकते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे भाई, डोली की यात्रा भी दिखाऊंगा और यहाँ पे जब पूजन हो रहा होगा वो भी दिखाऊंगा भाई। और इस वक्त भाई काफ़ी ज़्यादा सजावट चल रही है, आपने सारी देखी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे भाई देख के। और मैं आपको बता दूं जो डोली है ना वो इस वाले गेट से जस्ट बाहर निकलेगी, कल जब हम 6 महीने पहले आए थे ना तो डोली यहीं पे हम छोड़ के गए थे, और कल डोली हमारे साथ ही वापस यात्रा पे निकलेगी भाई, कल 2024 की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी केदारनाथ धाम की। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो कमेंट करके बताओ।
सो जो जैसे भी आपने डोली देखी वो माता की डोली है भाई, रुद्रप्रयाग से आई हुई माता की डोली। और मैं पहले समझ रहा था भाई केदारनाथ धाम की डोली आ गई भाई, वो मैं बोलूँ शाम को आ गई, वो तो कल सुबह आती है ना बाहर। फिर मैं हैरान हो गया, फिर याद आया मैंने तो अंदर भी डोली देखी थी, तो ये डोली अलग है और वो डोली अलग है भाई। दर्शन करने आए हुए हैं बहुत सारे लोग रुद्रप्रयाग से, तो वो लोग अभी दर्शन भी करेंगे और फिर डोली की पूजन भी होगी यहीं पे। ये डोली भी यहीं पे रही है अभी, तो वही चल रहा है अभी, पूजन चल रहा है पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शंख को बजाने लगा 5-6 दिन पहले, माउथ की पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी भाई, पूरी सांस दे के हालत खराब हो गई भाई, बहुत मेहनत करके बजाना पड़ता है शंख। कुछ डिफरेंट ही था लेकिन बज बड़ा अच्छा रहा था भाई, अभी भी आपको उसी की आवाज आ रही होगी, काफी मस्त है भाई, काफी खतरनाक भी था। सब अपने बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए पूरे मंदिर के, अब हम बाहर आ चुके हैं भाई, भूख लगी है, पेट पूजा करना भी जरूरी है, कुछ भी नहीं खाया, चलते हैं मस्त खाने के लिए बाहर। और वैसे भी टाइम होने वाला है थोड़ी देर में सोने का, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे से पहले उठना है, तभी तो हम दर्शन करने आ पाएंगे और आपको ही दर्शन कराएंगे। चलो भाई चलते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं अपने दाल चावल, पीली दाल चावल आराम से चटनी के साथ खाएंगे भाई, पहाड़ी चटनी है, मस्त खाना खा लेते हैं और फटाफट चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी उठना है और नहाने की व्यवस्था भी करनी है भाई, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है कल वाला दिन, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा भाई। और कल भाई डोली निकलेगी, कल से स्टार्ट होने वाली है केदारनाथ धाम की 2024 की यात्रा भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर आप हो तो बताना ज़रूर।